इज अ फोर साइड फिगर, जिसकी फोर साइड होती हैं। इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड, यानी कि जिसमें फोर साइड होती है। क्वाड्री मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमारी एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। इन विच द फोर वर्टिसेस आर ए बी सी एंड डी, इसमें आपके फोर वर्टिसेस हैं, दैट इज ए बी सी एंड डी। द फोर साइड्स आर, ये हमारी साइड्स है फर्स्ट ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, दीज आर साइड्स। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ये हमारा ए सी डायगोनल है और ये हमारा बी डी डायगोनल है। द फोर एंगल्स, और इसमें हमारे एंगल्स कितने होते हैं, फोर होते हैं। एंगल बी, ये हमारा एंगल बी है, सी, डी और ए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी कि हमारी जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। और फोर राइट एंगल्स, अब 360 डिग्री है तो ईच एंगल 90 डिग्री होता है, सो इन 90 डिग्री के हमारे कितने एंगल्स हो जाएंगे, फोर बन जाएंगे, तो फोर राइट एंगल हो जाएंगे। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री, यानी कि जो हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका भी सम 360 डिग्री होता है। थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 54 डिग्री, 80 डिग्री एंड 116 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, हमें क्वाड्रिलेटरल में थ्री एंगल्स गिवन है और फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। वी नो दैट इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर फोर एंगल्स, फोर में से हमें थ्री एंगल्स गिवन है और फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स डिग्री, मान लिया हमारा जो फोर्थ एंगल है दैट विल बी एक्स डिग्री। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, सो वी विल प्लस फोर एंगल्स, फोर्थ एंगल हमने एक्स क्या किया था, थ्री एंगल्स गिवन थे, इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ एक्स इज सेम, 54 प्लस 80 प्लस 116 इज 250 डिग्री, दैट इज सेम। नाउ वी विल फाइंड एक्स, अब हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स क्या होगा, आपका जो 250 डिग्री है वो इस साइड प्लस है, जब उस साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 360 में से 250 माइनस किया 110, द फोर्थ एंगल बी 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 5, 8, फाइंड द एंगल्स। अब हमें एंगल्स रेशियो में गिवन है, ठीक है, जब हमें रेशियो में गिवन होते हैं तो इट मीन्स एग्जैक्ट हमारा फर्स्ट एंगल 2 नहीं है, फिर 3 नहीं है, 5 नहीं है, 8 नहीं है, मीन्स उनकी रेशियो है। लेट द एंगल, हम एंगल्स को लेट करके चलेंगे, मान लिया हमारा फर्स्ट एंगल 2x है, सेकेंड एंगल 3x है, थर्ड एंगल 5x है और फोर्थ एंगल 8x है, फोर ही एंगल होते क्वाड्रिलेटरल में। सम ऑफ दीज एंगल्स इज 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है। नाउ वी विल डू द प्लस ऑल दीज, 2x, 3x, 5x, 8x, वी विल डू प्लस दीज, दैट इज 18x इक्वल्स टू 360। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, तो 18 क्या यहाँ मल्टीप्लाई है, जब साइड चेंज करेगा तो डिवाइड ऑपरेशन चेंज हो जाता है, सो व्हेन वी विल डू कट एक्स इक्वल्स टू 20 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू 20 आ गई है, एंगल्स तो नहीं आए, तो एंगल्स तो हमारे ये थे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, 2x है, 2 × 20 दैट विल बी 40 डिग्री, 3 × 20 60 डिग्री, 5 × 20 100 डिग्री, 8 × 20 160 डिग्री। अब हमारे एंगल्स क्या आ गए, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री और 160 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन क्वेश्चन नंबर 6,
बी पार्ट वी हैव गिवन वन फिगर इन दिस वी हैव गिवन ऑल एक्सटीरियर एंगल्स वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री सो वी विल प्लस ऑल दीज एक्सटीरियर एंगल्स दिस इज एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 360 नाउ वी विल फाइंड एक्स सो वी विल टेक एक्स एज इट इज नाउ वी प्लस दीज एंगल्स दीज आर 300 डिग्री इक्वल्स टू 360 सो व्हाट वी वांट एक्स तो एक्स को वी विल पुट इन लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड में रहेगा हमारा एक्स नाउ 300 उस साइड क्या हो जाएगा माइनस 360 में से 300 माइनस किया दैट विल बी 60 मींस वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हेलमेट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हेलमेट ये हमें क्या है गिवन है साइड्स और हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है ईच एंगल बताना है अब हमें गिवन है कि वो रेगुलर पॉलीगन है तो अगर हमें एक एंगल भी फाइंड आउट करते तो ऑल आर सेम क्योंकि रेगुलर पॉलीगन क्या थी व्हेन आर साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल रेगुलर पॉलीगन है तो हम वन एंगल फाइंड आउट करेंगे 10 साइड्स है ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन एन जो हमारा एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल होता है 360 क्योंकि सम होता है अपॉन एन एन क्या हमारी नंबर ऑफ साइड्स सो व्हेन एन इक्वल्स टू 10 वी हैव गिवन 10 साइड्स देन ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 अपॉन एन एन इज 10 हियर व्हेन वी विल डू डिवाइड 0 से 0 का 36 डिग्री क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ इन बी पार्ट 45 डिग्री व्हाट वी वांट नंबर ऑफ साइड्स हमें क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ साइड्स जब हमारा एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है ठीक है वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री नाउ नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू टोटल मेजर ऑफ ऑल एंगल्स अपॉन मेजर ऑफ ईच एंगल मींस जो आपकी टोटल मेजरमेंट एंगल्स की उसको ईच एंगल जो वन एंगल आपको गिवन है उससे डिवाइड करेंगे 360 अपॉन 45 आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो या कट करके भी कर सकते हो 5 से डिवाइड किया 5 7 जा 35 5 2 जा 10 5 9 जा 45 9 से कट हो गया 9 8 जा 72 इट मींस ए साइड्स अगर हमारा एंगल एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है तो उस फिगर में 8 साइड्स है इन क्वेश्चन नंबर 11 थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3 इन अ क्वाड्रिलेटरल यू हैव गिवन अ थ्री एंगल्स हमें थ्री एंगल्स गिवन है फोर्थ एंगल गिवन नहीं है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स जो स्मॉलेस्ट एंगल है और जो लार्जेस्ट एंगल है उनका सम क्या है 180 डिग्री फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें सारे एंगल्स निकालने क्वाड्रिलेटरल में तो फोर एंगल्स होते हैं यहाँ हमारे पास क्या गिवन है थ्री एंगल्स की रेशियो गिवन है और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल का सम 180 डिग्री गिवन है नाउ रेशियो इन एंगल्स इज 1:2:3 लेट मेजर ऑफ एंगल्स बी एक्स 2x 3x जब हमारे पास रेशियो होती है तो हम कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री अब हमारा स्मॉलेस्ट क्या है एक्स और लार्जेस्ट 3x दोनों का सम किसके इक्वल है 180 डिग्री के x प्लस 3x इज 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री x वैल्यू इज 4 यहाँ मल्टीप्लाई है जब साइड चेंज होगी तो डिवाइड
नाउ वी विल डिवाइड विद 4, 4 से डिवाइड किया 45 डिग्री, यानी कि x वैल्यू इज 45 डिग्री। 45 डिग्री 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, क्योंकि हमारी रेशियो क्या थी, 1:2:3। 45 डिग्री सेम, 2 मल्टीप्लाई 45 इज 90 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई 45 इज 135 डिग्री। अब हमारे पास 3 एंगल्स हैं, हमें ऑल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। वी नो दैट इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर 4 एंगल्स, लेट द फोर्थ एंगल बी x। x मान सकते हो, y मान सकते हो, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। x प्लस प्लस दीज एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, x प्लस प्लस दीज 270 डिग्री इक्वल्स टू 360। 270 को माइनस करो, 360 माइनस 270 इज 90 डिग्री, सो एंगल्स आर 45 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 135 डिग्री। 5 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई 45 डिग्री। नाउ फर्स्ट एंगल इज 45, सेकंड इज 90, थर्ड एंगल इज 135। 45 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई 45 डिग्री। नाउ आवर फर्स्ट एंगल इज 45 डिग्री, सेकंड इज 90 डिग्री, थर्ड इज 135। वी नोट दैट इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर 4 एंगल्स, तो हमें फोर्थ एंगल भी फाइंड आउट करना है। लेट द फोर्थ एंगल बी y डिग्री, आप y डिग्री उसको लेट कर सकते हो। नाउ वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, सो वी विल टेक द सम ऑफ दीज एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। y as it is, v plus these three angles, these are 270 equals to 360. y value is 360 minus 270, y equals to 90 degree. Now our angles are 45 degree, 90 degree, 90 degree and 135 degree.